आज सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्मों का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। कई भोजपुरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा कमाई की है। वहीं रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कलाकारों ने पूरे देश में अपना नाम कमाया। इसकी लोकप्रियता के चलते बॉलीवुड के कई सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा की फिल्मों में दमदार अभिनय कर चुके हैं। आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। हिंदी सिनेमा के हीमैन यानी धर्मेंद्र भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने साल 2013 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म देश परदेश में काम किया था। इस फिल्म में उनके अलावा रति अग्नियोत्री और कादर खान भी नजर आए थे। फिल्म ने कुछ खास कमाल तो नहीं किया था, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से लोगों का मन भोजपुरी से भी मोह लिया था। हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी यानी हेमा मालिनी भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमा को भोजपुरी फिल्म गंगा में देखा गया था। इस फिल्म में ड्रीम गर्ल के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और फिल्म ने दर्शकों को खूब लुभाया था। जया बच्चन। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ और जया बच्चन ने एक साथ भोजपुरी फिल्म गंगा देवी में भी काम किया है। इस फिल्म में दोनों अहम किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के अलावा वो गंगा, गंगोत्री जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अजय देवगन। बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह साल 2006 में आई भोजपुरी फिल्म धरती कहे पुकार में काम कर चुके हैं। इसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। राज बब्बर। एक्टर राज बब्बर साल 2011 में आई भोजपुरी फिल्म बाबुल प्यारे में अभिनय कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने भोजपुरी फिल्म भोले शंकर में काम किया था। बता दी कि फिल्म भारत और विदेशों में एक साथ रिलीज हुई थी। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।